नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को इंतजार रहता है कि एक मुलाकात कार्यक्रम में आज के अतिथि कौन होंगे। अलग अलग क्षेत्रों से हमारी अतिथि इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाते हैं। आज के जो हमारी अतिथि हैं वो राजनीति के क्षेत्र से पधारे हुए हैं। आप हैं श्री थावर चंद गहलोत जी, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, साथ ही बीजेपी के आप महासचिव भी हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गहलोत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत जी। विशेष करके तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि राजनीति में आपका आगमन कैसे हुआ? क्या आपके परिवार से भी लोग राजनीति में थे या आपकी विशेष इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊँ? मेरे परिवार में मेरे पहले कोई भी राजनीति में नहीं था जी। देशभक्ति का वातावरण जरूर परिवार में था, आध्यात्मिक वातावरण था जी और धार्मिक वातावरण था, पर राजनीति में कोई नहीं थे। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अलावा मेरे पहले कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, माँ बाप काका ताऊ ये वो सब, तो भी गलत नहीं होगा जी। मैं राजनीति में नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। झुग्गी झोंपड़ियों में एक नाले के किनारे झोंपड़ियाँ थी, उसमें रहता था और जब शौच आदि के लिए जाते थे नाले के किनारे तो थोड़ी सी दूरी पर एक शाखा लगती हुई दिखाई देती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जी। जी, खेल के प्रति रुचि थी, मैं भी वहाँ जाने लगा तो दो तीन दिन तो बाहर खड़ा रह करके देखता रहा। एक दिन वो संघ के अधिकारियों ने और उनने मुझे देखा और पूछा कि तुम दो तीन दिन से रोज आ रहे हो, क्या तुम्हारी इच्छा है शाखा में आने की, खेलने मिलने की? जी जी। तो मैंने कहा हाँ है, इसीलिए मैं आता हूँ। तो बोले ठीक है, आ जाओ। उस दिन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगा जी। शाखा में घटनायक, मुख्य शिक्षक, शाखा कार्यवाह, मंडल कार्यवाह, ऐसा दायित्व निभाते जी। जब नौकरी लग गई 1965 में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है मजदूर क्षेत्र में, भारतीय मजदूर संघ जी, उसका सदस्य हो गया और उसमें दो श्रम संगठनों का पदाधिकारी भी हो गया। योग से 18 साल से अधिक की उम्र होने लगी तो फिर जनसंघ का सदस्य भी बन गया और उसके बाद तो निरंतर सन 65 से आज तक जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी का निरंतर दायित्व निर्वहन करता आ रहा हूँ जी। जी, मैं अनेक पदों पर रहा, मंडल लेवल से जिला लेवल, प्रदेश लेवल और राष्ट्रीय लेवल पर जी। जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य हूँ 5वीं बार जी, जो हमारे संगठन की हाईएस्ट यूनिट होती है, नीति निर्धारक समिति होती है जी। जी, जी, जो राज्यों में कब कहाँ क्या परिस्थिति, कौन विधायक दल का नेता होगा जी, जी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, राज्यों में अध्यक्ष वगैरह के चुनाव और ये इस प्रकार की सब। बड़ी प्रेरक सी बात लग रही है गहलोत जी, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं। आमतौर पे ये फिल्मों में देखा करते थे कि कोई बिल्कुल ही सामान्य से परिवार से या झोपड़ी से उठता है और महल तक पहुंच जाता है। ये हमारे देश के युवाओं के लिए, हम सबके लिए बहुत प्रेरक है। गहलोत जी, क्या कारण आप मानते हैं, क्या सफलता के सूत्र रहे हैं आपके जीवन के, जो आप बिल्कुल ही जैसे कहूं कि फर्श से उठ करके आज अर्श पे विराजमान है? सफलता का प्रमुख कारण तो मैंने देखा कर्तव्य निष्ठा, संगठन की आइडियोलॉजी, उसके उद्देश्यों को समझ के उसको अंगीकार करके उसको आचरण में लाना जी, और उसके अनुरूप ही निरंतर संघर्ष करते रहना। मैंने नौकरी करते करते मजदूर हकों के लिए संघर्ष किया जी, उसके कारण एक बार नहीं अनेक बार जेल में जाना पड़ा और 9 महीने तो एक बार जेल में लगातार रहे, न्यायिक निरोध में रहे, जमानत नहीं हुई,
बरी होने पर ही बाहर आए, नौकरी भी छूट गई। उसके बाद चार चार पांच पांच केस पुलिस ने लगा दिए थे, क्योंकि मजदूर आंदोलन में पुलिस से टकराहट हो गई थी। जी जी जी। और उन्होंने रंजिशवश जरूरत से ज्यादा परेशान करने की दृष्टि से एक नहीं अनेक केस लगाए, और अनेक केसों में अनेक धाराएं थी। फिर सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ते रहे, बरी हुए। जी जी। और ये सिलसिला चलते चलते 74-75 आ गया, और 25-26 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया गया। जी। और जितने भी देशभक्त नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसमें जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी, या कांग्रेस में भी जिसकी अनबन थी, मोहनधारिया जैसे, चंद्रशेखर जी, जैसे ऐसे अनेक लोगों को, लाखों लोगों को जेल में डाला था। उस आपातकाल के दौरान मैं भी उज्जैन के भैरुगढ़ जेल में रहा, नौकरी भी छूट गई और जेल यात्रा भी की। फिर भी न मजदूर हकों की लड़ाई बंद की, न जनसेवा का कार्य बंद किया। तो इसमें जो ग्लोरियस भारत की बात हम करते हैं, स्वर्णिम भारत की बात करते हैं, इसमें पॉलिटिक्स में डिविनिटी कैसे लाया जा सकता है, और अध्यात्म इसमें किस प्रकार योगदान दे सकता है, इस पे मैं प्रकाश चाहूंगा। अध्यात्म हमको वसुदेव कुटुंबकम की भावना की ओर अग्रसर करता है, हमारी धर्म की ओर अग्रसर करता है, संस्कृति की ओर अग्रसर करता है, मनुष्य का मनुष्य के प्रति कर्तव्य बोध कराता है, और हमारे मन मस्तिष्क में उदारता की भावना भी पैदा करता है। जियो और जीने दो, इस प्रकार की सोच भी हमारे मन मस्तिष्क में आती है, और अमन चैन के लिए, विश्व शांति के लिए, समता के लिए, समरसता के लिए, इन सब बातों की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्म कुमारी जी के संस्थान में आज गौरवशाली भारत के लिए राजनीति में दिव्यांगता विषय को लेकर के एक कार्यशाला कह दो, या संगोष्ठी कह दो, या भाषणमाला कह दो, यह आयोजित की गई थी। वास्तव में आज का विषय प्रासंगिक है, इसकी आज महती आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनमें दिव्यता, अर्थात सदकारी करना, परोपकारी कार्य करना, दूसरों के लिए जीना, देश को सर्वोपरि मानना, इस प्रकार के जो महान गुण हैं वो ही दिव्यता है। देवी कार्य करना, ईश्वरीय कार्य करना, यही दिव्यता है। और इस दिव्यता को प्रकट करने, उसका एहसास कराने के लिए आज भाषणमाला थी, संगोष्ठी थी, उसमें मुझे बुलाया। मैं वास्तव में भाव विभोर और धन्य हो गया, समय की मांग को देखकर, समय में और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को और उसकी प्रासंगिकता को देखकर ये विषय आज बहुत जरूरी है। वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है और भावी पीढ़ी है, उनको देशभक्ति का जज्बा उनके मन मस्तिष्क में उतारने के लिए प्रेरित करना, इसकी आवश्यकता है। और मैं सोचता हूँ आज के इस विषय से सारे देश में आपके माध्यम से यह संदेश जाएगा, और देश की युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी भी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर होगी। जी जी। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है या राजयोग की शिक्षा दे रहा है, इसकी न केवल राजनीतिज्ञों को बल्कि समाज के हर एक वर्ग को आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र को स्वर्णिम बनाया जा सके? देखो, मैं बहुत पहले से ब्रह्म कुमारी संस्थान के बारे में पढ़ता था, सुनता था, कुछ लोगों से मिलता भी था। जी। यहाँ की दीदी और भैया 2 साल से मुझे इस संस्थान में आने के लिए न्योता देते थे, बार बार आकर के आग्रह करते थे, प्रेरित करते थे, पर योग संयोग इसके पहले कोई समय तय नहीं हो पाया। आज जब मैं आया
तो ऊपर वाला संस्थान भी देखा और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ ये वाला संस्थान भी देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अभिभूत हूँ। वास्तव में इस प्रकार के संस्थान देश और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की सोच की ओर ले जाएंगे और जिस दिन ये सोच अमल में आ जाएगी विश्व शांति अपने आप आएगी। और मनुष्य जीवन में और राजनीतिक जीवन में अध्यात्म का महत्व है, संस्कृति का अनुपालन करने का महत्व है, धर्म के अनुरूप चलने का महत्व है, धर्म सापेक्ष होने का महत्व है। और इसी बात की प्रेरणा इस संस्थान द्वारा, ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा, देश और दुनिया में लगभग 140-150 देशों में और भी दी जा रही है। इस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में है। प्रत्येक भावी पीढ़ी के मन मस्तिष्क को इस प्रकार के वातावरण में ले जाने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ वातावरण बनाने से व्यक्ति अच्छी बातों को मन मस्तिष्क में उतार लेता है और जब अच्छी बातों को मन मस्तिष्क में उतारता है तो स्वाभाविक रूप से वो आचरण भी ऐसा ही करता है जी। और आचरण जब करने लगता है तो सुसंस्कार हो जाते हैं दिखने में। और इस प्रकार के सुसंस्कार की आवश्यकता है और इस प्रकार के सुसंस्कार को देने का या मनुष्य जीवन को सफल करने का प्रयास, वातावरण, संदेश आपके इस संस्थान से मिलता है। वास्तव में मैं इस संस्थान के प्रति बहुत आभारी हूँ जी। जी, यहाँ की कौन सी बात आपको बहुत ही यूनिक सी लगी, यहाँ की शिक्षा कौन सी आपको यूनिक सी लगी जिसे आप भी अपने साथ लेकर के जा रहे हैं और लगता है कि इसे जा करके आप दूसरों तक भी पहुँचाएंगे या बांटेंगे? देखो, अध्यात्म की ओर प्रेरित करना, धर्म की ओर प्रेरित करना, सुसंस्कार डालना और अपनत्व पैदा करना, बंधुत्व भाव पैदा करना, बहनों के प्रति सम्मान भाव करना, अपनी बहनों को दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती मान करके उनका सम्मान करना, उनमें बहुत कुछ शक्ति है उसको प्राप्त करने की प्रवृत्ति मन में लाना, और फिर दुनिया में जो लोग विश्व शांति के लिए दौड़ लगा रहे हैं जी, वो विश्व शांति का पाठ कहीं पढ़ना हो, उसको मन मस्तिष्क में उतारना हो तो इस संस्थान से मिलेगा। फिर मैं खुश हूँ कि शिक्षा की दृष्टि से भी ये संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं यहाँ आया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस बात को जब कहा तो यहाँ जो आपने सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया है जी, वास्तव में ये सही रूप में उसका कार्य रूप देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ का संस्थान और सभा हाल और ये सब देख करके ऐसा लगता है कि हमारा देश विश्वगुरु था, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, दुनिया को सबको उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, यहाँ अपने ही लोग डिवोटी होकर के बिना कुछ लिए दिए पारिश्रमिक और ये सब काम कर रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार का वातावरण बनाने की आवश्यकता है और ये इस संस्थान ने वातावरण बनाया, इसीलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। लोगों के मन मस्तिष्क में बहुत कुछ करने की इच्छा होती है जी। कौन करवाने वाला है उसके प्रति विश्वसनीयता होना चाहिए। इस संस्थान के प्रति लोगों का विश्वास है, इसीलिए लोग बिना पारिश्रमिक लिए अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, ऊपर भी दे रहे हैं। वास्तव में ये बहुत अनूठा उदाहरण है और इस प्रकार का वातावरण जिस देश में बन जाए तो निश्चित रूप से स्वर्ग है ही। जी जी जी, एक अंतिम बात गहलोत जी, चलते चलते स्वच्छ भारत अभियान की बात पूरे देश में चल रही है, दादी जी ब्रांड एम्बेसडर ही हैं उसकी, और विशेष करके एक चीज़ और कि राष्ट्र को हम बिल्कुल ही आध्यात्मिक गुरु बनाएं, ये भी एक बहुत ही सुंदर सा प्रयास देश की ओर से चल रहा है। योग की भी जो विशेष बात हमारे प्रधानमंत्री साहब ने उठाई है,
विद्यालय की तरफ से भी राजयोग की बात सिखाई जाती है, तो ये तमाम चीज़ें विद्यालय भी साथ लेके कार्य कर रहा है। इसमें से विशेष करके गहलोत जी, जो योग की बात है, केवल शारीरिक योग हम संसार को सिखाएं या राजयोग जो ब्रह्मकुमारेश्वरी विश्वविद्यालय सिखा रहा है, जिससे मन भी स्वस्थ होता है और सर्वांगीण विकास होता है, इस चीज़ को भी क्या विश्व पटल पर रखने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल किया जा रहा है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सुख की दृष्टि से जी व्यायाम वाला योग की भी आवश्यकता है, और उसको जब कार्य रूप में परिणित करना हो, राम राज्य लाना हो, विश्व शांति की ओर अग्रसर होना हो, तो आध्यात्मिक योग की भी आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने गीता का जो पाठ पांडवों को सिखाया था जी जी, उसमें शारीरिक योग की बात कम थी, मानसिक योग की ज्यादा, मानसिक योग की बात ज्यादा थी जी जी, राजयोग की बात ज्यादा थी, और उन्होंने सीख लिया 3-4 घंटे में। और आपने और हमने देखा कौरवों का हश्र क्या हुआ। इसी प्रकार से देश में स्वच्छता का भी महत्व है, जैसे राजयोग करो या शारीरिक योग करो, उसी प्रकार के स्वस्थ रहने की दृष्टि से स्वच्छता की भी आवश्यकता है जी। हमारे यहाँ बहुत पहले से परंपरा रही है स्वच्छ रहने की, रोज सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त होना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, यानी शरीर भी स्वस्थ, पेट भी साफ और मन भी शुद्ध, प्रार्थना करके, पूजा पाठ करके जी। और जहाँ हम सब रहते थे, ये सब करते थे, वहाँ साफ सुफ करके ही रहते थे, स्वयं साफ सुफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, सब करते थे जी। और बिना गोबर, गाय के गोबर से लिपाई किए हुए, चूल्हा भी नहीं जलता था, बैठते नहीं थे खाने थे जी। उस समय स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, परंतु देश की आज़ादी के बाद ये भी विकृति फैली, खाया कागज यहीं फेंक दिया, बच्चा तो यहाँ डाल दिया, कचरा कर दिया, और इसके कारण से बीमारियाँ फैलने लगी, व्यक्ति बीमार होने लगा, परिवार बीमार होने लगे, और उसका कष्ट समाज को और देश को भी होने लगा। तो स्वच्छता अभियान की भी महती आवश्यकता है। मैं दुनिया के 7-8 देशों में गया, भारत में जितना कूड़ा कचरा इधर उधर पटकने की आदत पड़ गई लोगों की, किसी भी देश में मैंने नहीं देखा जी जी। ऑस्ट्रेलिया में तो घर के आसपास भी हरी घास लगा के रखते हैं, बगीचे जैसी। घर में जाना होता तो पगडंडी को छोड़ के बाकी सब घास, अंदर के लेटरिन बाथरूम की सीवेज लाइन अंडरग्राउंड ही, मेन रोड की जो अंडरग्राउंड सीवेज लाइन है उसमें मिल जाती, कहीं कुछ देखने को ही नहीं मिलता है। प्रयास किए जा सकते थे, करना चाहिए थे, परंतु देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो ये संभव नहीं है, ये नहीं है सर। पर नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, सारे देश में राष्ट्रपति से लेकर के बड़े बड़े शंकराचार्य, साधु संत जी, अपना ये संस्थान, सब इस स्वच्छता अभियान में लगे हैं जी जी जी। और आप देखो, साल भर पहले वाले भारत में और आज में स्वच्छता की दृष्टि से काफी, बिल्कुल, मतलब एक प्रयास की शुरुआत, असर दिखाई देने जी जी, और सचमुच एक असर दिख रहा है। और सचमुच हम न केवल स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत बनाएंगे, लेकिन स्वर्णिम भारत भी बनेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और योग को जी नरेंद्र मोदी साहब के प्रस्ताव के कारण संयुक्त राष्ट्र महासंघ में 170 से अधिक देशों ने जी स्वीकार किया, और इन सब देशों में पिछले साल भी हुआ, इस साल भी जो योग दिवस था 21 तारीख, देश दुनिया के लगभग 202 देशों में ये स्वच्छता अभियान और योग वाला जी जी कार्यक्रम चलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता मानव जीवन को सफल करने की दृष्टि से प्रेरणादायी रही है। नरेंद्र मोदी जी भी उस बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी, उम्मीद है
भारत गौरवशाली स्थान पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब यही कामना रखते हैं कि फिर से भारत उस स्थान को प्राप्त करेगा और सभी इसके लिए प्रयासरत हैं। ब्रह्मा कुमारीज में आप आए हैं, पहली बार आपका आगमन हुआ है, यहाँ के अनुभव को यदि आप 3 शब्दों में कहना चाहें गहलोत जी, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? देखो, मैं तो 1 शब्द में कह सकता हूँ कि स्वर्ग की अनुभूति हुई है। चलिए, बहुत सुंदर गहलोत जी, आपने 1 शब्द में ही सब कुछ बयां कर दिया है। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कामना करेंगे कि स्वर्ग में आप बारंबार आएं और अपने साथियों को भी लेकर के आएं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बचपन से हम अपनी दादी नानी की कहानियों में स्वर्ग की बात सुना करते थे, और जब कोई देह का भी त्याग किया करता था तब भी किसी भी धर्म में हम ये सुना करते थे कि वो स्वर्ग सिधार गया या लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। ये स्वर्ग की परिकल्पना हमारे अंदर इतनी गहराई से समाई हुई है, अब सचमुच इसे साकार करने की आवश्यकता है, और साकार हम सबको ही मिलके करना होगा। गहलोत जी अंत में बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि 1 शब्द में यदि यहाँ का अनुभव अपना सुनाओ तो ये स्वर्ग है। वास्तव में जिस स्थान पे किसी प्रकार का द्वेष ना हो, भेदभाव ना हो, अशांति ना हो, जहाँ आध्यात्म की खुशबू हो, वो स्थान स्वर्ग है। तो क्यों ना हम सब मिल करके न केवल बाहरी तौर से, जैसे स्वच्छता अभियान की बात है, योग की बात है, न केवल बाहरी तौर से स्वच्छता को अपनाएं, लेकिन अंदर से भी अपने मन को स्वच्छ करें। न केवल शारीरिक योग करें, लेकिन राजयोग के माध्यम से भी अपने मन को बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर बनाएं। तो न केवल बाहर हम स्वर्ग बना पाएंगे, लेकिन भीतर भी स्वर्ग बना पाएंगे। और वास्तविकता तो यही है मित्रों, कि जब भीतर स्वर्ग होगा तो हमारे चारों तरफ भी स्वर्ग अवश्य होगा। आइए हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये हम सब का मिला जुला प्रयास होना चाहिए। इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।